हूँ शाहिद हुसैन जोया और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फुल ड्रेसिंग में। अच्छा जी, आप बताते जाएंगे और हम सुनते जाएंगे और साथ साथ बताते भी जाएंगे। जी सबसे पहले हमें इसको पावर अप करना है। सबसे पहले पावर अप करना है। ओके, पावर अप जब हो जाएगी तो यहाँ पे वोल्टेजेस आ जाएंगे, यहाँ पे वोल्टेजेस नज़र आएंगे। ओके, उसके बाद बेशक आप पहले हॉपर में ये डाल लें, हॉपर में सरसों डाल दें। ओके, इसको हमने ये पहले डाल लें बाद में डालें। ओके, इसको फिलहाल टेम्परेचर दिया है हमने इनिशियल 7 मिनट पहले। ओके, आप इसको टेम्परेचर दे दें। ओके, टेम्परेचर देने से ये होगा कि जो इनिशियल ड्राई जो मटेरियल निकलेगा, छली जो निकलेगी जी, वो ताकि आसानी से एक्सट्रैक्ट होती है बाहर निकलती रहे। ये जी कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन है, यानी इसमें आप बीजों के तेल निकाल सकते हैं। बहुत सारे बीजों के तेल निकाले जा सकते हैं, जैसे कि सरसों का, बादाम का, लौंग का, इलायची का, तिल का, किसी भी चीज़ का तेल निकालना चाहें तो इस छोटी सी मशीन से आप तेल निकाल सकते हैं। ये इम्पोर्टेड मशीन है और लोकल रेट है, इसका रेट जो है वो बहुत माकूल है और मशीन बड़ी शानदार है। पहले इसको चला के देखते हैं, इसमें से ऑयल निकाल के देखते हैं, फिर इसकी बात करेंगे हम रेट की, इसकी खसूसियात की और जो सवाल आप पूछेंगे उन सवालों की। जी नदीम भाई, तो कितनी देर में हम शुरू कर रहे हैं इसको? हम फौरन रेडी हैं, जस्ट ये टेम्परेचर ले ले इतना के टचेबल हो ये। ओके, हमने सरसों डाल दी है मशीन, सेकंड में इस मशीन को स्टार्ट किए देते हैं। अब्दुल वहाब पूछते हैं, क्या ऑलिव ऑयल भी निकाला जा सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल निकाला जा सकता है। फर्दर मालूमात के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीफोन नंबर्स लिख दिए हैं, उन टेलीफोन नंबर्स पे रबता करके मालूमात हासिल की जा सकती हैं। ये कोल्ड ऑयल प्रेस मशीन है, यानी ठंडे तरीके से किसी भी सीड का तेल निकाला जा सकता है। ये तिब के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, खाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। स्टेनलेस स्टील 304 है ये, यानी फूड अथॉरिटी और महकमा सेहत इसके निकले हुए तेलों को रिकमेंड करते हैं और पास करते हैं। इस मशीन के ज़रिए एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जा सकता है, आप इसको अपने घर में भी चला सकते हैं, आप इसको अपनी दुकान पे भी लगा सकते हैं। मैंने एक शख्स को जानता हूँ जिसने रिक्शा जो है रिक्शे के ऊपर ये मशीन रखी हुई है और अपना हॉर्न स्पीकर लगाया हुआ है, वो गली गली जाकर आवाज़ देता है कि किसी ने खालिस तेल निकलवाना है तो निकलवा सकता है। तो लोग जो हैं वो उससे तिल ख़रीदते हैं, लौंग ख़रीदते हैं, इलायची ख़रीदते हैं, सरसों ख़रीदते हैं और ख़ुद अपनी आँखों के सामने इससे तेल निकालते हैं। वो जब तेल निकालते हैं तो उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि ये खालिस नहीं है। तो इसकी कीमत पूछ रहे हैं एक भाई, मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, ये 1.5 लाख रुपए की मशीन है। खालिद महमूद भाई, ये पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए की मशीन है, महंगी मशीन नहीं है। इस एक मशीन से आप अपना ऑयल का ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं, यानी कम खर्च और बाला नशीन। 750 वाट यानी 1 हॉर्स पावर की इसके साथ मोटर लगी हुई है। और राफे ज़फ़र ख़ान पूछते हैं, सलाम, पर डे कितना ऑयल निकाल सकते हैं? राफे भाई वालेकुम अस्सलाम, ये एक दिन में यानी 8 घंटे में 2.5 मन सरसों पीसती है ये मशीन और उसका 33% ऑयल निकलता है। यानी अगर 100 किलो है तो 100 किलो में से 33 किलो तेल निकलेगा। बहुत एक्यूरेट मशीन है, यानी जो बड़े एक्सपेलर्स होते हैं जितनी प्रोडक्शन उसकी होती है, इसकी प्रोडक्शन किसी भी तरह किसी भी सूरत उससे कम नहीं है। ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका जो नोज़ल हेड है ये मेड इन तुर्की है, असेंबलिंग इसकी यहीं पे हुई है और बहुत अच्छी स्मार्ट और सोफिस्टिकेटेड मशीन है। अभी इसकी आपको चंद लम्हों के बाद इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करके दिखाएंगे। इसमें चंद मिनट्स के लिए हीटर जो है ये बैरल के फ्रंट पे ऑन किया जाता है ताकि जो इसकी खली है, जो खल जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा आसानी के साथ बाहर निकल पाए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त अच्छी मशीन है। शाकिर भाई क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, क्या इसके तमाम पुर्जे पाकिस्तानी हैं? अगर ऐसा
है या फिर कानूनी तरीके से इन पुर्जों को इंपोर्ट किया गया है तो फिर इस मशीन को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। जी शाकिर भाई बिल्कुल, इसके जो हेड नोज़ल है ये इंपोर्ट की है टर्की से और असेंबलिंग इसकी जो है ये हमने खुद किया शाकिर भाई, और इसको बिल्कुल एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है।